दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय नागालैंड सरकार टीयर 500 मंथली लॉटरी पहलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी। सिलीगुड़ी विधान मार्केट में दुकानदारों के स्वामित्व की मांग को लेकर व्यापारियों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शहरी विकास मंत्री फिरहाद हाकिम को पत्र लिखा। विधान मार्केट ट्रेड एसोसिएशन की पहल पर आज सुबह से कार्यक्रम शुरू हुआ। शिकायत यह है कि जलपाईगुड़ी विकास बोर्ड द्वारा उनकी मांगों को टाला जा रहा है। मांगे पूरी नहीं होने पर व्यापारियों ने आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने की धमकी दी है। सिलीगुड़ी के सड़क से ट्रैफिक पुलिस ने बरामद किए विदेशी नोट। ड्यूटी करते समय अचानक उनकी नजर सड़क के किनारे पड़े पैसों पर पड़ी। आगे बढ़े तो विदेशी नोट दिखे। सिलीगुड़ी ट्रैफिक पुलिस ने विदेशी पैसा विधान मार्केट से सटे इलाके से बरामद किया। 50 रुपए के 26 नोट और 7000 रुपए के नोट बरामद किए गए। बाद में उन्होंने रुपए बरामद कर पानी टंकी चौकी की पुलिस को सौंप दिया। 13वां सिलीगुड़ी महकमा पुस्तक मेला का आयोजन राज्य सरकार के पुस्तकालय और जन शिक्षा विभाग द्वारा होने जा रहा है। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने मीडिया से रूबरू होते हुए मेले के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मेला 11 दिसंबर से 17 दिसंबर तक सिलीगुड़ी तराई तारापद आदर्श विद्यालय मैदान के बीच आयोजित किया जाएगा। इसमें अलग अलग जगहों से करीब 40 से 50 स्टॉल होंगे। अनियंत्रित होकर बिस्कुट से भरी एक लॉरी सड़क किनारे जलाशय में पलट गई। यह घटना सिलीगुड़ी अंतर्गत फुलबाड़ी घोसपुकुर बाईपास रोड के काशीराम जोत इलाके में घटी है। दुर्घटना के कारण लॉरी में आग लग गई। दूसरी ओर घटना की जानकारी मिलते ही फांसीदेवा पुलिस और दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। पुलिस घटना की जाँच कर रही है। पश्चिम बंगाल बाल संरक्षण आयोग महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार सप्ताह का पालन किया गया। मालदा के जिला मजिस्ट्रेट नितिन सिंघानिया, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनिंद सरकार, डिप्टी CMH1 डॉक्टर अमल चंद्र चौधरी, जिला बाल संरक्षण सोसाइटी के अध्यक्ष अम्बरेश बर्मन और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। पिछले कुछ महीनों से सिलीगुड़ी शहर और आसपास के इलाकों से मोबाइल चोरी की होने की घटना सिलीगुड़ी NJP थाने में दर्ज कराई जा रही थी। इन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और विभिन्न इलाकों से कुल 12 मोबाइल फोन बरामद किए गए। NJP थाने के पुलिस की ओर से उनके असली मालिकों को मोबाइल फोन सौंप दिए गए। अलीपुरद्वार जिले में युवक मनोज लोहार की हत्या में 6 आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अलीपुरद्वार पुलिस अदालत के सामने विरोध प्रदर्शन किया। वीरपारा इलाके के निवासियों ने तख्तियां लेकर मार्च निकाला। आज गिरफ्तार किए गए 6 लोगों को अदालत ले जाया गया। उत्तर दिनाजपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर सड़क दुर्घटना में 2 की मौत, कई लोग घायल हो गए। दोनों मृतकों का घर बिहार के पूर्णिया जिले में है। 9 मजदूर पाइपलाइन पर काम करने के लिए गए थे। काम से लौटने के दौरान मजदूरों से भरी पिकअप वैन के पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस घटना की जांच कर रही है। BLRO कार्यालय ने सुबह से ही जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक और राजगंज ब्लॉक के विभिन्न इलाकों में अभियान जारी रखा। कथित तौर पर बालू माफियाओं का एक वर्ग बालू और पत्थर के अवैध कारोबार से जुड़ा है। BLRO ने इस दिन छापेमारी कर जलपाईगुड़ी सदर और राजगंज ब्लॉक से कई रेत और पत्थर की गाड़ियां जब्त की और 2 लोरी को कोतवाली थाने की पुलिस को सौंप दिया। अलीपुरद्वार में गोपालपुर चाय बागान में सुबह तेंदुए को पिंजरे में कैद किया गया। सुबह गोपालपुर चाय बागान में पिंजरे में बंद तेंदुए को देखकर स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग के जल्दापारा वन के प्रभाग के वनकर्मी मौके पर आकर पिंजरे में बंद तेंदुए को रेस्क्यू किया गया। पिंजरे में बंद तेंदुए को जल्दापारा ले जाया गया। जलपाईगुड़ी में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर किसान सचिन रॉय तीस्ता नदी के किनारे देसी बकरियां पालन कर मोटी कमाई कर रहा है। सचिन रॉय ने बताया कि वह मुख्य रूप से किसान है, लेकिन पिछले कुछ सालों से बकरी पालन कर रहे हैं। उन्होंने हिसाब लगाया तो पाया कि वह खेती से ज्यादा पैसा बकरी पालन में कमा सकते हैं। इन बकरियों को पालने में काफी मुनाफा हो रहा है। अलीपुरद्वार में जंगली हाथियों का झुंड गांव में घूमते नजर आया। आज सुबह जल्दापारा नेशनल पार्क से जंगली हाथी 5 जंगली हाथी इलाके में घुस आए और घूमने लगे। कई सड़कों पर हाथियों के झुंड से लोगों का सामना होने पर वह अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। हालांकि किसी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। सिर्फ
सिलीगुड़ी का 35 वर्ष पुराना एक विश्वसनीय नाम हिमालयन केन फर्नीचर। आकर्षणीय केन फर्नीचर्स के साथ साथ आपके घर, ऑफिस, होटल, स्कूल या आउटडोर फर्नीचर्स का एक कंप्लीट सॉल्यूशन। क्रिस्टल, कर्लॉन, सोफा वर्ल्ड, टाटा स्टील, फेदर लाइट और ऑब्सेशन जैसे ब्रांड्स के साथ साथ और भी नामी दामी ब्रांड्स के फर्नीचर से लेके फर्निशिंग तक के लिए आज ही आए हिमालयन केन फर्नीचर्स। 0% इंटरेस्ट पर इजी EMI की सुविधा भी उपलब्ध है और साथ ही अपने खरीदारी पर पूजा स्पेशल ऑफर्स का भी लाभ उठाए। हिमालयन केन फर्नीचर्स, हिल कार्ट रोड नियर विश्वदीप सिनेमा हॉल, सिलीगुड़ी। যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হলিক্স উইমেনস প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এর 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। अगर आस्था है तो बंद द्वार भी रास्ता है। समस्या कैसी भी हो, जड़ से होगी गारंटेड समाधान। ज्योतिष परामर्श द्वारा नौकरी, कारोबार, आर्थिक समस्या, विदेश यात्रा, विवाह, मानसिक तनाव, गृह क्लेश, नौकरी में तरक्की, संतान सुख, पढ़ाई में रुकावट आदि निःशुल्क गारंटेड समाधान के लिए आज ही संपर्क करें श्री बालाजी ज्योतिष केंद्र, पंडित तुषार शर्मा, गोल्ड मेडलिस्ट। कॉन्टैक्ट 6375847663, 9635871494। मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। फैमिली रेडी? राजू मामा थोड़ा लेफ्ट। हाँ वो फील नहीं आ रहा। वेट, अब फील आया। अब घर लाओ त्योहार का फील रॉयल ओक फर्नीचर के साथ। विजिट दी रॉयल ओक स्टोर टुडे। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली, हिलकार्ट रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। A complete IT and security surveillance solution, from high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. सिडवैप सिलीगुड़ी 9434023813। नागालैंड सरकार डीएर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी, पहले पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी और उधेरे आकर्षक पुरस्कार। टिकट 500 रुपया, ड्रॉ 25 नवंबर, पहले पुरस्कार केवल बिक्री भय का टिकट बांटा। डीएर 500 मंथली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता मंजू श्री संजय दोले के तपाई हुनुहुन्छ यसपाली हो करोडपति। Yeah.